क्या गोलगप्पे खाना किसी की मौत का कारण बन सकता है? ये बात शायद आपके गले भी नहीं उतर रही होगी, लेकिन जनाब ये सच है। यकीन न आए तो इस रोते बिलखते परिवार को देखिए। ये उसी मृतक के परिजन हैं, जो गया तो था गोलगप्पे खाने, लेकिन स्वाद के लिए खाया गोलगप्पा उसकी मौत का गोलगप्पा बन जाएगा। इस बात का इल्म किसी को नहीं था। दरअसल दिल दहला देने वाली ये घटना यूपी के कानपुर के खाटमपुर की है, जहां पर 45 वर्षीय नरेश सचान नाम का एक शख्स बुधवार देर रात एक ठेले पर गोलगप्पे खाने गया था। जैसे ही उसने पहला गोलगप्पा खाया, उसे जोर की खांसी आई और गोलगप्पा उसके गले में फंस गया। इसके बाद नरेश वहीं गिर पड़ा और तड़पने लगा। राहगीर और वहां आसपास के लोग नरेश को उठाकर पास के हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत अवस्था में सीएससी घाटमपुर में आया था। ऑलरेडी वो पहले एक्सपायर हो चुका था। तो जो परिजनों के साथ में कई लोग थे, उनके कथनानुसार कि बताशा खाने के लिए खड़ा था, तभी बताशा मतलब उसी समय वो गिर गया और वहीं ऑन स्पॉट खत्म हो गया। घटना की सूचना जब परिजनों को लगी तो परिवार में कोहराम मच गया। मृतक की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। पत्नी को नरेश के इस तरह से मरने पर भरोसा ही नहीं हो रहा। मृतक नरेश खेती करके और ट्रक चलाकर अपने परिवार को पालता था। हुआ कि ये खाद ले जा रहे थे कोरिया सोसाइटी में, खेतों में खाद डालनी थी। तो ये हमारे गांव से 1 किलोमीटर दूरी पर एक शाकाहारी गांव पड़ता है, वहाँ पर एक चौराहा है, वहीं पर खुमचे वाले ठेलिया वगैरह लगाते हैं, जैसे चाट वगैरह है या और खाने पीने की चीज़। तो उसी चौराहे पर पहुँचे हैं तो हमको ये सूचना मिली कि चौराहे में ये गिर गए हैं। अब ये इन्होंने बताशा खाया कि नहीं खाया हम नहीं जानते, लेकिन वहीं पे गिर गए। अब 5 मिनट के बाद जब ये बेहोश हो गए होंगे तो गांव के लोग पहुंचे हैं और इनको PHC घाटमपुर ले गए। वहां डॉक्टरों के सामने जब प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने बताया कि तो भाई इनकी मृत्यु हो गई है। अब परचून की दुकान वाले को हम नहीं जानते, हम रहते हैं कानपुर, हम तो यहाँ से गए थे। मौत का कारण ये गिर गए, इनके सर में या शरीर में गंभीर चोटें आ गई होंगी आंतरिक, और इनके नाक से ब्लड भी आया हुआ है। तो ऐसा हम समझ रहे हैं कि इनके सर में या कहीं भी ऐसी जगह एक चोट लग गई है जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। जब PHC ले गए तो डॉक्टर ने भी ये घोषित कर दिया कि भाई इनकी मृत्यु हो चुकी है। थाना अध्यक्ष LP सिंह ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।